से हाँ शुरुआत से करती हूँ कि अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, माता रानी के आशीर्वाद से, फ्रेंड आप सभी के प्यार से। तो फ्रेंड आ गई हूँ मैं दीपा गुसाई आप लोगों के साथ फिर से एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड कर लूँ शुरुआत अभी दिन के 11:30 बजे से था। तो आज मैं कान्हा का फर्स्ट मंथ बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं लाई हूँ चमेली के फूल डेकोरेट करने के लिए 1 मंथ का। और उसका मैंने बालों पे यहाँ पर अपने लिए पिनअप करके ये भी लगा लिया। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को मैंने ये कैसे बना रखा है करके, आप लोग भी इजी तरीके से घर पर बना सकते हैं ये। तो इसमें ये है जुड़ा पिन। तो ना मैं ये सारे फूल ला रखी हूँ, तो ये फूल लेके आई हूँ। तो मैं इससे ना अपने कान्हा के लिए 1 मंथ का बनाती हूँ। कहाँ से लाए थे सारे फूल आप? ओ वहाँ पर लगे थे, वहाँ से लाए। देख लो फ्रेंड्स, अपने घर अगर आप फाटपुर में रहते हो तो अपने घर के बाहर बिल्कुल भी फूल ना लगाए, ऐसे लोग भी घूमते हैं। तो मैंने 1 मंथ का बना दिया है, अब मैं लेके आऊंगी। तो मैं लाती हूँ माधव को। ये मेरे माधव के मैचिंग के फूल भी लगे थे आज हमारे घर में। तो फ्रेंड मैंने ना माधव के साथ 1 मंथ का वीडियो शूट कर लिया है, और मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ना उस जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तब ऐसा टाइम था नहीं कि ऐसा कुछ करें करके। तो मुझे याद आया कि अरे हमारे माधव को तो एक मंथ हो गया, तो अभी आजकल सभी लोग बनाते हैं अपने बच्चों के साथ, तो मेरे बच्चों के साथ मैंने वो चीज़ नहीं की। तो मैंने कहा चलो हमने माधव को तो अपना बच्चा बना ही रखा, तो मैंने कहा माधव के साथ हम लोग ये चीज़ शेयर कर लेते हैं। तो जहाँ तक हो कि मैं माधव के साथ हर एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। तो माधव जी का हमारे कान्हा का आशीर्वाद बना रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा। तो मैं इसी तरह से आप लोगों के साथ नए नए ब्लॉग लाते रहूं, तो बस मिलते रहते हैं आप लोगों को जैसा भी बनता रहता है मेरे साथ। हेलो, तो फ्रेंड मैं ना अभी कान्हा को बाहर ला आई हूँ माधव को, थोड़ा सा इनके साथ मैंने रील बना ली है। पता नहीं इनकी रील ये खुश होते हैं नहीं होते हैं, टेढ़े टेढ़े जा रहे हैं। और अभी ये बहुत छोटे से हैं, 1 महीने के हैं, तो इनका भगवानों का आशीर्वाद रहेगा तो ये बहुत जल्दी से आप लोगों के सामने मेरे सामने बड़े भी हो जाएंगे हमारे माधव, क्योंकि ये अभी ना 1 महीने के हैं तो इसलिए बहुत छोटे से हैं। जैसे हमारा बच्चा होता है 1 महीने का छोटा ऐसे, तो वैसे अभी ये छोटे से हैं। तो इनको ऐसे हाथ में लेती हूँ तो ये दिखाई भी नहीं देते हमारे नन्नू गोपाल जी। और इनके मुकुट भी शायद थोड़ा सा भारी लग रहा है, पता नहीं मुझे ये मुकुट ज़्यादा इनके सर पर रुक भी नहीं पाता है। तो अरे वाह, एक चीज़ और हुई है, देखो आज की ड्रेस भी पहनी है, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, ये देखो। हाँ यही हमारे कान्हा का प्यार है। और फूल भी देखो हमारे माधव के मैचिंग के मिले हैं, मेरे गार्डन में लग गए हैं माधव के लिए सुंदर से फूल, जो इनको चढ़ाने के लिए मेरे पास मिल जाते हैं अब। तो अब मैं ना मंदिर में इनको इनके आसन पर विराजमान कर देती हूँ, ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ। कहेंगे कि अब मेरी मैया कैसी है, मुझे ब्लॉग बनाने के लिए मुझे परेशान कर रही है। तो मैं इनको आराम करने के लिए रख देती हूँ इन्हीं के आसन पे। फ्रेंड यहाँ पर ना मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, मैंने ये जुड़ा पिन में एक एक करके और फूल डाले थे, और मैंने आपको मिनी ब्लॉग में भी दिखाया था किस तरीके से मैंने बनाया था करके। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। अब मैं भी कभी भी हो ना, अगर मुझे लगाने की इच्छा होगी अगर मुझे साइड में, तो मैं इसी तरीके से अपने लिए बनाऊँगी, और आप लोग भी एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड यहाँ पर ना शाम के 5 बज चुके हैं, और मैं यहाँ पर चिलों के घर पे आई हूँ पंखुड़ी के बर्थडे में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पकौड़ी। तो मेरे इसमें वीडियो में फ्रेंड मेरा फ़ोन भी यहाँ पर नहीं था, बट और वैसे भी मेरी स्क्रीन ना फ़ोन की जितनी भी वीडियो थी सारी डिलीट हो चुकी हैं।
तो मैंने दूसरे के फ़ोन से बनाई थी वीडियो, तो मैंने उनसे मांगी कि मैं उस समय फ़ोन भी नहीं ले गई थी, बट लेकिन जब मैं शाम को ले गई थी तो फ़ोन में वो भी मेरी सारी वीडियो डिलीट हो गई थी। तो मैंने ये किसी औरों से सारी मेरी जो भी थोड़ी बहुत वीडियो आएंगी इसमें बर्थडे की और रुचि की एनिवर्सरी की, तो ये मैंने दूसरों से मांगी है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ शाम को पकौड़ी, तो अभी तो मैं ही बना रही थी, बाद में पिंकी मामी भी आ गई थी तो उनके साथ मैंने नहीं बना रखी थी। तो मेरे फ़ोन की जो भी थोड़ा बहुत वीडियो होगी तो प्लीज़ उसे देख करके इग्नोर ना करें, देखें पूरी वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं दूसरे के फ़ोन में आ भी रखी हूँ, अपनी बना रही थी मैं यहाँ पर सिनेमैटिक के तौर पर पूरा डेकोरेशन को ले रही थी, बट लेकिन मेरी किस्मत ऐसी रही कि सारा वीडियो मुझसे डिलीट हो गया। तो ये मैंने दूसरे से वीडियो मांग रखी है, तो मैं उसको अब इसमें डाल रही हूँ। तो फ्रेंड, ये गुड दूसरे दिन के सुबह का है, तो आज से मैं यहाँ पर मंदिर में नहीं जाऊँगी। तो ये अभी आस्था कर रही है सुबह की, पहले भजन चला रही है, उसके बाद भगवान जी की दियाबत्ती करने आई है मंदिर पे। क्योंकि आज से मैं मंदिर में नहीं जाऊँगी तो आस्था कर रही है, आस्था ने माधव जी को उठाया है, आस्था ही इनकी बत्ती करेगी। उनके सर पर मुकुट उकुट भी तो लगा दें।